सात बच्चों का पिता फिर से पहुंचा निकाह करने। तभी लड़की के घर जा धमके बच्चे, फिर देखिए कैसे मचा हंगामा। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में एक व्यक्ति को पांचवा निकाह करना भारी पड़ गया। चोरी छिपे हो रहे इस निकाह की जानकारी जैसे ही व्यक्ति के साथ बच्चों को मिली तो मौके पर पहुंचे और पिता की पिटाई करते हुए जमकर हंगामा कर दिया। हालांकि अपने होने वाले शौहर की कुटाई देख दुल्हन मौके से 9-11 हो गई। अब इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, आपको पूरी जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले आप वो वीडियो देखिए जो सोशल मीडिया पर चर्चा का केंद्र बना हुआ है। दरअसल ये मामला उत्तर प्रदेश के सीतापुर देहात कोतवाली के सदर कॉलोनी इलाके का है, जहां 45 साल का शफी अहमद अपनी पांचवी शादी का सपना संजोकर निकाह की तैयारी में मशगूल था। लिहाजा बीती रात शफी अहमद चोरी छुपे निकाह करने जा रहा था, लेकिन उसी दौरान उसके सातों बच्चों को इसकी भनक लग गई और वो सभी माँ के साथ पहुंच गए और जमकर हंगामा किया। जिस लड़की से निकाह होना था उस पक्ष के लोगों ने पत्नी और बच्चों का जब विरोध किया तो दोनों में मारपीट शुरू हो गई, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों को शांत कराया। बच्चों का कहना है कि पिता ने पहली शादी वाली औरत को तलाक दे दिया था और दूसरी शादी जिससे कि वो मेरी माँ है, हम सभी सात भाई बहन हैं। बच्चों का आरोप है कि इसके बाद पिता ने तीसरी और चौथी शादी सबसे छुपकर कर ली। बच्चों का कहना है कि पिता पहले कुछ महीनों से हम लोगों को खर्चा नहीं दे रहे थे और पांचवी शादी करने जा रहे थे। इसकी सूचना जब हम लोगों को हुई तो हम सब लड़की के घर चले गए, जिसके बाद हम सभी लोगों ने इस निकाह का विरोध किया। फिलहाल बच्चों द्वारा पुलिस को जानकारी दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। इस पूरे मामले में सीओ सदर राजकुमार साहब का कहना है कि निकाह से पहले ही कोतवाली पुलिस की टीम आरोपी शफी अहमद को शहर कोतवाली में हिरासत में ले लिया था। बच्चों के आरोपों के आधार पर आरोपी पिता पर शांति भंग करने की कार्रवाई की गई है और परिवार की तहरीर मिलने पर केस दर्ज कर आरोपी पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।